गाइस, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ पहली बात तो बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है पिंकी और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। इस चैनल पे मैं इसी तरह के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, जो अभी तक नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो लेकिन वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और हाँ, वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और मैं फिर कहती हूँ थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो इस वाले चैनल पर। और हाँ, आज का मैं ये वाला वीडियो कोई सिम्टम्स के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ, जो आप लोगों के कमेंट हैं मेरे उस वाले चैनल के और इस वाले चैनल के, दोनों के मैं इसी ब्लॉग में, इसी वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कमेंट आ रहे थे कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वैसे सिम्टम्स होते हैं। भाई, मेरे साथ जो हुआ है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे क्या अंदाज़ा क्या वो कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल, है ना। तो इसीलिए जो मेरे साथ सिम्टम्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। लेकिन आप लोग में से, मैं सबका नहीं कह रही हूँ, मैं आप लोगों में से कुछ थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इतना गलत बोला। क्योंकि देखो, एक प्रेग्नेंट लेडी के जो सिम्टम्स चल रहे होते हैं, जो हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं ना, वो उस लेडीज़ को ही पता है। ना ही तो आप लोगों को पता होगा, ना ही वो मुझे पता है। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो मुझे भी नहीं पता, और मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप लोगों को भी नहीं पता है। तो इसीलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए। और मैं सारे अपने कमेंट जो भी हैं वो मैंने एक पेपर में, एक कॉपी में नोट कर लिए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देख रहे हो, ये सारे के सारे मेरे कमेंट्स हैं। मैं आप लोगों के साथ ना ये कमेंट शेयर करने वाली हूँ, और आप लोग ना स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। और राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मैंने बहुत जल्दी लिखी है, तो इसीलिए मैं पहला कमेंट आप लोगों के साथ पढ़ने जा रही हूँ, जागृति का। उन्होंने मुझे बोला है, आपके सारे सिम्टम्स उल्टे हैं, मतलब मेरे बॉय वाले सिम्टम्स, जो मेरे सिम्टम्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ना गलत कमेंट मत करो, आप लोगों के नहीं थे तो मत करो, अपने ऊपर मत लेके जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ भी वही सिम्टम्स रहने वाले। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो वो उसके सिम्टम्स के ऊपर जाता है, ठीक है। वो ये नहीं कहती मैं कि आप लोगों के साथ भी वही हो रहा है, मेरे बेटी हुई है तो मेरे बेटे वाले सिम्टम्स थे, ऐसा नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का सब कुछ चेंज होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। आप लोग मुझे गलत कमेंट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी। मैंने कुछ हाल फिलहाल में ही मैंने अपना कमेंट खोले थे, उस वाले चैनल पे भी और इस चैनल पे भी। मैंने सोचा कि चलो आज सबके ही कमेंट रीड करती हूँ, लेकिन देखा तो इतने गंदे गंदे कमेंट आए हुए हैं, और बहुत लोगों ने अच्छे भी किए हुए हैं, तो मैं उन लोगों को भी ज़रूर आंसर दूंगी अपने इस कमेंट में। और दूसरा कमेंट है शगुन धनवी का, उन्होंने लिखा है, जानकर उल्टे बता रही है। अरे भाई, मैं जानकर उल्टे क्यों बताऊँगी? मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है, या फिर मेरे को पागल मैं आप लोगों को दिखती हूँ? मेरे साथ जो प्रेगनेंसी में हुआ है सिम्टम्स, मैं वही शेयर कर रहे थे अपने, जो भी मेरे साथ प्रेगनेंसी में सिम्टम्स रहे थे, ठीक है। अब मुझे सोच समझ कर कमेंट करना। और तीसरा कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ, समीर खिलाड़ी का, उन्होंने लिखा है, सारे सिम्टम्स सीन गलत बता रही हूँ, मतलब मैं गलत बता रही हूँ। वही भाई, मैं वही जवाब देना चाहूँगी कि अपने सिम्टम्स मत मैच करो मुझसे। और अगर आप लोगों के साथ बेटे के बारे में होगा तो भाई मेरी बेटी के बारे में है, और मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मैंने अपने वो सारे सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करे थे, ठीक है। फोर्थ कमेंट पढ़ना चाहूँगी, सभी पहाड़ी का, उन्होंने मुझे कमेंट किया है, आपको वॉमिटिंग हुई थी या नहीं, और मूवमेंट किस मंथ से स्टार्ट हुई थी आपके बेबी की? मेरे बेबी की मूवमेंट की मैं अगर बात करूँ तो मेरी बेटी की मूवमेंट मुझे 5 मंथ के लास्ट में हुई थी, साढ़े पाँच महीने में। और वॉमिटिंग की बात करूँ तो वॉमिटिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई है पूरी प्रेगनेंसी में। ऐसा भी नहीं हुआ कि हाँ ऐसा लगता है ना कि वॉमिटिंग आएगी। मैं तो सोचती थी फील करूँगी मैं इस चीज़ को कि वॉमिटिंग वाला या प्रेगनेंसी वाले कोई तो सिम्टम्स हो। मुझे खुद को ही रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैं प्रेगनेंट हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स थे ही नहीं पूरी प्रेगनेंसी में।
आपको होप करती हूँ कि आपको मेरा इस छोटे से कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा सभी। और मैं ना आप लोगों के साथ जो जो मेरे को नाम नहीं पढ़ने आ रहे तो इतने बड़े बड़े नाम है, तो वो ना मैं कमेंट साथ में लगाती चली जाऊंगी, वो आप लोग आप नाम पढ़ लेना साथ में। उन्होंने मुझे लिखा है आपका 3-4 मंथ्स में किस साइड भारीपन लगता था, मतलब या हल्का दर्द होता था। मेरे लेफ्ट साइड में होता था। जी हाँ, मेरे भी ब्रेस्ट में जो था दर्द वो भी लेफ्ट साइड में ही था अपनी बेटी के टाइम पे। आपका जो कमेंट था वो मैंने रीड कर लिया और आपको रिप्लाई भी मिल गया होगा होप करती हूँ, है ना। मेरे भी लेफ्ट साइड में ही मेरा ब्रेस्ट जो था वो भारी भारी लगता था और उसमें ही पेन होता था। अब मैं छठा क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ मेहंदी आर्टिस्ट का। उन्होंने लिखा था आपको क्या हुआ है, तो भाई मुझे बेबी गर्ल हुई है, अभी वो 1.5 साल की होने वाली है ना। आपको भी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। दूसरा है तन्वी सिंह का, उन्होंने लिखा है स्वीट तो बेबी बॉय में होती है। तो भाई ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं लिखा कि स्वीट बेबी बॉय में ही होती है। हाँ, मेरे अपने पूरे फैमिली टाइप्स में जो भी थे उन्होंने मुझे जितने भी लोगों ने मुझे देख के मुझे बोला था ना, जितने भी लोगों ने तेरे ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे तो स्वीट बेबी में बेबी गर्ल में होती है, लेकिन भाई मैंने तो पूरी प्रेगनेंसी में चटपटा चटपटा खाया है, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया है ना। आपने खाया होगा तो इसलिए आप लोग मुझे बोल रहे हो। बाकी मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पूरी अपनी बेटी का टाइम पे मीठा नहीं खाया और चटपटा चटपटा ही खाया है, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उस टाइम पे। और कहते हैं ना क्रेविंग, तो मुझे मीठे की बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी अपनी बेटी के टाइम पे। और अब मैं भारती का क्वेश्चन करने जा रही हूँ। उन्होंने भी पूछा है मुझे क्या हुआ था, तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी, है ना। सेम क्वेश्चन उनका था और सेम वही। और मैं पढ़ने जा रही हूँ शिवानी शर्मा का। उन्होंने लिखा कि सिजेरियन रिकवरी पेनफुल थी। तो जी हाँ, मेरी सिजेरियन डिलीवरी पेनफुल थी। मैंने ना सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं अपने ब्लॉग चैनल पे, तो प्लीज जाके उन्हें भी जरूर जरूर चेकआउट करना। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ कजन मित्तल ब्लॉग्स, उनका पढ़ने जा रही हूँ कहाँ से हो आप। तो भाई मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ स्वयं पहाड़न का। वो लिख रही है नावी की लाइन स्ट्रेट थी या टेढ़ी मेढ़ी, प्लीज जरूर बताना। तो भाई मेरी स्ट्रेट थी पूरी ब्रेस्ट से लेके और पूरे नीचे टमी तक पूरी स्ट्रेट थी, कहीं से इतनी भी जिगजैग नहीं थी, ना नाभी से या कहीं से नहीं, मेरी स्ट्रेट ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रही हूँ मिस्टर निधि का। आप बेबी का हेड किस साइड था दी, आप बेबी का आपके बेबी का। तो मेरी बेटी का हेड हमेशा ज़्यादातर वो किक मुझे पूरे टमी में ही करती थी। अब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या तो इस वजह से मुझे ढंग से पता नहीं चला, लेकिन मेरी बेटी पूरे साइड में ही मूवमेंट करती रहती थी। उसका हेड कभी ऊपर आ जाता, कभी साइड में आता था, कभी इधर कभी उधर, वो पूरे टाइम में ही घूमती ही रहती थी। और ज़्यादातर एक्टिव मेरी बेटी रात के टाइम होती थी। और हाँ, लास्ट टाइम पे हेड उसका मेरी बेटी का नीचे ही था, अपनी पोजिशन उसने ले ली थी जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगी और जिसका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ वो मैं आपको साथ साथ में कमेंट के लगाती जा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जाके उन्हें भी जरूर देख लेना, ठीक है। सामने आप लोगों के आ रहा होगा। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है मेरा 4 मंथ पूरा होने वाला है, मेरी एक बेटी है, भगवान मुझे एक बेटा भी दे दे। तो मैं बाबा जी से नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं माता रानी से यही चाहूँगी कि जिसके घर में बेटी है तो उन्हें बेटा मिल जाए और जिसके घर में बेटा है उन्हें बेटी मिल जाए, है ना, क्योंकि उनकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाए। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ जय शर्मा का। वो मुझे कमेंट कर रहे हैं आपको बेबी की मूवमेंट किस मंथ से स्टार्ट हुई थी, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो भाई मेरी बेटी की मूवमेंट आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि मेरी बेटी की मूवमेंट मुझे 5 मंथ के लास्ट में 5.5 मंथ से स्टार्ट हुई थी अपनी बेटी की मूवमेंट, फील होना स्ट्रांग वाली। और कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन 5 मंथ से ही मुझे पता चली थी मेरी बेटी की मूवमेंट्स, और वो स्ट्रांग थी बहुत ज़्यादा जब मेरी बेटी ने मूवमेंट करना स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जाऊंगी ज्योति भीम यादव का। वो मुझे कमेंट कर रही हैं कि आपके सारे सिम्टम्स मेरे से अपोजिट थे,
ठीक है। तो भाई तुम्हारी प्रेगनेंसी और मेरी प्रेगनेंसी बहुत अलग थी, ठीक है। मैं हर किसी के कमेंट करी, और ये मेरी सिस्टर फ्रेंड है तो मैं उसका भी रिप्लाई मैंने अब दे दिया है, और बाकी मैं कमेंट के साथ साथ रिप्लाई भी देती रहती हूँ। तो बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जाऊँगी राजपूत गर्ल का। तो उन्होंने मुझे लिखा है, मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी है, फुल बॉडी पेन है, क्या करूँ। तो भाई इस चीज़ के लिए तो देखो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आप अपने डॉक्टर से, जहाँ से सिजेरियन डिलीवरी हुई, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, उनसे बात करें कि आपकी बॉडी में क्यों पेन होता है। हर किसी की बॉडी में पेन होता है सिजेरियन डिलीवरी के बाद, जैसे मेरे भी होता है, जब जिस दिन मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ तब ज़्यादा होता है, बॉडी में पेन नहीं होता, लेकिन हाँ बैक में ज़रूर पेन होता है। बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें इस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को हर चीज़ बताती। जो मेरे सिम्टम्स के रहते हैं, जो मेरे साथ रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और अभी तक मेरी वीडियो मेरी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे कमेंट का रिप्लाई कैसा लग रहा है और कैसा नहीं। और जिसने अभी तक मेरे व्लॉग वीडियो को, जिसने अभी तक मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो जल्दी से, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन लेडीज़ के साथ मेरे ये वाला चैनल को शेयर करो जो प्रेग्नेंट है, आपकी दीदी हो, सिस्टर हो, या फिर कोई भी हो, मम्मी दीदी जो भी है ना, उनके साथ शेयर करो, तो ताकि उनको हेल्प मिल पाए मेरे थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ मैं सिंगर रानी का। वो मुझे कमेंट कर रही है, आपका प्लेसेंटा क्या था। मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था अपनी बेटी के टाइम पे। हर चीज़ ना, लोग ना मुझे एंटीरियर के लिए भी बोल रहे हैं, मतलब मेरे हर क्वेश्चन को लेके बोल ले जा रहे हैं कि ये और वो। तो भाई जो मेरा था तो रियल था, और मेरे को, मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ना समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह अपने कमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि इतने भी घटिया लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे ये वाला चैनल देखना और ये वाली वीडियोज़ देखना। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ मधु शर्मा का। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, कि ये है जिसके साथ जो एक्सपीरियंस रहता है वो अपना मान लेता है, एंटीरियर वालों के भी बेटा होता है, मतलब बेबी बॉय होता है ना, ऐसे लिखा था, मैंने अपने भाषा में बेटा पढ़ दिया। तो भाई इन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही है कि जिसको जो लगता है वो चीज़ मान लेता है ना। मैं अब इन्होंने किसी उसमें भी लिखा हो अंदाजे में या कुछ भी, तो मुझे उनकी बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, कि सही बात है कि जिसके साथ जो सिम्टम्स रहते हैं वो उसको उसी टाइप में ले जाता है। अब या फिर उसके वो बेटी हुई हो या उनके वो बेबी बॉय हुआ हो, जैसे मेरे बेटी हुई थी तो मेरे साथ ये वाले सिम्टम्स सारे रहे हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जरूर जाके चेकआउट करना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई जाके कर लो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, और अपनी प्रेगनेंसी भी आप लोगों के साथ रिवील करने वाली हूँ। तो चलो सेकंड प्रेगनेंसी भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। और तो चलो, वैसे अभी कुछ है नहीं, जब होगा तो बहुत जल्दी करूंगी, ठीक है। अब माइंड मत करना इसको, तो प्लीज़ है ना। बाकी आज के मैं ये 19 जो मेरे पास कमेंट थे वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। और हाँ, बहुत बड़े बड़े कमेंट हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि वो लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, रात ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए मैंने वो फ़ोन में ही रखे हुए हैं। फ़ोन से मैं हस्बैंड के फ़ोन में या फिर लिख कर आप लोगों के साथ वो बड़े बड़े जो कमेंट जिसने मुझे किए हैं, मैं आपको उनके साथ ज़रूर मिलूंगी, उन कमेंट को पढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाकी आज के मैं ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मेरे शेयर करना, मम्मी दीदी, अपनी भाभी, अपनी फ्रेंड जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं। तो चलो मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, जय माता दी, आप लोग सोचो कि बहुत जल्दी याद आ गया।